आप सभी का कविता इजी एयर पर फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सी टेट सिलेबस 2020 की रिगार्डिंग डिटेल कंफर्म करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे पास जो नोटिफिकेशन है, जो डिटेल है, वो इंग्लिश में है। मैंने इसे इंग्लिश में इसलिए अडॉप्ट किया ताकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के तरह के विद्यार्थियों को एक साथ कवर कर सकूं। आई होप आप समझ सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं रीड कर दे रही हूँ, फिर इसको मैं आपको हिंदी में समझाने का प्रयास करूँगी। सी टेट सिलेबस 2020 हैज बीन रिलीज्ड बाय CBSE एट द ऑफिशियल साइट। कैंडिडेट्स कैन नाउ गो थ्रू द लेटेस्ट सी टेट एग्जाम पैटर्न एंड द सिलेबस फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। गेट द डिटेल्स ऑफ द पैटर्न सिलेबस एंड ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आर नेसेसरी फ्रॉम द सी टेट नोटिफिकेशन। द सी टेट 2020 इज पोस्ट फॉर नाउ एंड द न्यू एग्जाम डेट्स एंड एडमिट कार्ड विल बी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें सीटेट सिलेबस 2020 के रिलीज के CBSE की ऑफिशियल साइट पे उसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज काफी समय पहले हो गया था, और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सीटेट एग्जाम पैटर्न की फुल डिटेल कंफर्म कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग क्या है, सीटेट एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के रिगार्डिंग क्या उसका सिलेबस रहेगा और क्या उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, उसकी आवश्यक जानकारी भी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इसमें बताया गया है कि जैसा कि हम सब भली भांति जानते हैं कि जो सी टेट 2020 का जो एग्ज़ाम है वो फिलहाल पोस्टपोन हो चुका है, और जो न्यू एग्जाम डेट्स एंड एडमिट कार्ड्स विल बी इशूड सून, कि बहुत जल्दी ही जारी किए जाएंगे। तो जैसे स्थितियां सामान्य होंगी और जैसी गाइडलाइंस आएंगी उसके अकॉर्डिंग इसके जो एडमिट कार्ड जो है वो और जो इसके क्या है रिगार्डिंग एग्जाम डेट्स हैं वो सब एक साथ क्लियर हो जाएगी। कैंडिडेट्स की रिक्वायर एक्यूरेट नॉलेज ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑफ सी टेट 2020 सिलेबस, कि कैंडिडेट्स के लिए मतलब ये रिक्वायरमेंट है, ये वांछनीय है कि ये जानना आवश्यक है कि सी टेट 2020 का जो सिलेबस है उसकी एक्यूरेट नॉलेज जानना अति आवश्यक है। सो वी आर शेयरिंग द सी टेट सिलेबस इन हिंदी एंड इंग्लिश फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मैं यहाँ पे इस सीरीज के माध्यम से पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड कि ऑल ओवर डिटेल्स, होल डिटेल्स आपको देने का प्रयास करूंगी। इम्पोर्टेंट डिटेल्स फॉर सी टेट 2020। दिस ईयर द सी टेट एग्जाम विल बी हेल्ड इन द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो जैसा कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी जो सी टेट का एग्जाम होगा उनमें 18 लैंग्वेज जो है वो शामिल की जाएगी। आप लैंग्वेजेस की लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें से कोई दो लैंग्वेज आपको चूज करनी है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि लैंग्वेज फर्स्ट आप वही चूज करें जिस पर आपकी ऑल ओवर कमांड हो, क्योंकि लैंग्वेज सेकंड की अपेक्षा लैंग्वेज फर्स्ट का जो क्वेश्चन होता है, पैटर्न होता है, वो ज़्यादा टफ होता है। ओके, नेक्स्ट है द सी टेट 2020 विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। तो दैट्स मीन कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जैसा कि पूर्व में भी होता आया है कि MCQ होगा, आपको उसमें से राइट आंसर चूज करना है। नेक्स्ट वन, फॉर ईच करेक्ट आंसर कैंडिडेट्स विल गेट 1 मार्क्स, और एक सही उत्तर पर आपको 1 अंक की प्राप्ति होगी। There is no negative marking for the incorrect answers. Very important कि कोई भी नकारात्मक उत्तर के लिए नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। Next one, it is necessary to attempt all the section as there is no negative marking. तो जैसा कि अभी हमने जाना कि नकारात्मक मार्किंग का प्रावधान नहीं है, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का प्रयास कीजिए, आप यहाँ चांस ले सकते हैं। नेक्स्ट वन, इन पेपर सेकंड द फोर्थ सेक्शन इज सेलेक्टेड बाय कैंडिडेट। जो सेक्शन फोर्थ है, दैट्स मीन पेपर सेकंड कौन सा हो गया, 6th to 8th class वाला, तो उसमें जो आपका जो फोर्थ सेक्शन है कि लाइक जैसे वो साइंस, मैथ और सोशल स्टडी, तो उसमें से जो भी आपका स्ट्रीम हो उसको अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें फर्दर आपको क्या कहते हैं टीचिंग करनी होगी। तो कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट दैट दे लेटर वांट टू टीच। नेक्स्ट वन, प्लीज नोट दैट द सी टेट एग्जाम
सिलेबस इज ऑलमोस्ट द सेम फॉर द सब्जेक्ट्स दैट आर कॉमन इन पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड. वेरिएशन इज इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन बोथ पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड. We will start with the important details of CTET 2020 and then proceed the syllabus detail. You can read the CTET preparation strategy to help with CTET. Overall, we can say that कि paper first और paper second के लिए CTET 2020 पाठ्यक्रम ज़्यादातर विषयों के लिए समान है, लेकिन प्रश्नों की कठिनाई का स्तर अलग है. That's mean paper first और paper second primary level और upper primary level के लिए जो paper का जो स्टैंडर्ड है वो उसमें वेरिएशन है. Isn't it? Okay, तो ये तो बात हुई CTET syllabus डिटेल की. और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैंने इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. सेकेंड पार्ट में हम एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और थर्ड पार्ट में कम्प्लीटली एग्जाम फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन करने का प्रयास करूँगी. तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें. तो मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. टिल देन ओके बाय.